आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सुपर हेल्दी बहुत ही स्वादिष्ट एक छोटी चम्मच तेल में बनकर तैयार होने वाली बहुत ही यूनिक तरीके की गेहूं के आटे से बनी नाश्ता की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गेहूं का आटे का नाश्ता बनाएंगे, जिसे बच्चे बड़े हर कोई बेहद पसंद करेंगे। बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही टेस्टी सुपर हेल्दी ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट या दोपहर के लंच या रात के डिनर कभी भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आज की गेहूं के आटे की रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और स्वागत करती हूं आप सबका ललिता किचन में। तो गेहूं का आटे का नाश्ता बनाने के लिए ये देखिए, मैं एक कप ले ली हूँ गेहूं का आटा और इस आटा को सिंपली हमें गूंथ लेना है। जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से हमें आटा को सॉफ्ट मुलायम गूंथ करके ले लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे हम, और आटा में कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी डाल करके हमें आटा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैं आटा लगा ली, अब आटा को ढक करके साइड में रख देंगे और ये मैं 5 उबले हुए आलू ले ली हूँ। आलू ये उबला हुआ आलू है और ठंडा किया हुआ है, तो ये ठंडे आलू को इस तरीके से लेंगे एक और इसके छिलके हटाएंगे और सारे आलू को इसी तरीके से हम छील लेंगे। पहले इनके छिलके हटा लेंगे, तो ये देखिए सारे आलू के छिलके को मैं हटा दी हूँ। अब एक कद्दूकस करने वाली मशीन लेंगे, इस तरीके का जो आता है ग्रेट करने वाली मशीन, और इस ये बिल्कुल बारीक वाली है और बारीक हमें इन्हें कद्दूकस करके ग्रेट करके ले लेना है। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके लीजिएगा तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेगा, और अच्छे से मैश कर लीजिएगा तो भी गुठलियाँ नहीं रहेगा। तो सारे आलू को इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को हमें बॉईल करके ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। तो जब भी नाश्ता बनाना हो तो 2-3 घंटा पहले ही आप आलू को बॉईल करके रख लें, तो बहुत ही अलग तरीके का नाश्ता है और जल्दी से बन जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए सारे आलू को मैं ग्रेट कर ली। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ग्रेट किए हुए आलू को डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता की जगह आप धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब इन्हें मिलाएंगे। तो ये देखिए मैं इन्हें अच्छे से मिला ली। अब एक चकला लेंगे और जो आटा गूंथे हैं उससे थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे और सिंपली हमें थोड़ा सा पूरी के आकार का बेल लेना है पहले। तो पहले सूखे आटे में लगाएंगे, फिर हम इन्हें बेलेंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। और ये जो आलू का मसाला बना के तैयार किए हैं वो डालेंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे इस तरीके से। इस नाश्ता का स्वाद आपको हल्का आलू पराठा की तरह लगेगा, हल्का आलू की कचौड़ी की तरह लगेगा, लेकिन ये न तो आलू पराठा है ना आलू की कचौड़ी है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बना हुआ नाश्ता है। तो अब इन्हें बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें बेलेंगे, ज़्यादा प्रेस कर देते हुए मत बेलिएगा, हल्के हाथों से इन्हें बेलिएगा। और सारे आटा वाले नाश्ता को सेम तरीके से बना कर तैयार करेंगे, इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो ये देखिए मैं सारा बनाकर ले ली हूँ और गैस ऑन करके मैं कढ़ाई में पानी डाल करके पानी को बॉईल होने के लिए रख दी थी। अब जो भी नाश्ता बनाया है आटा का बेल करके लिए हैं, अब सबको
बॉईल किए हुए पानी में डालेंगे। पहले पानी अच्छे से बॉईल होगा उसके बाद ही डालना है। तो हम इन्हें डालेंगे, आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आप लोग डालिएगा, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अब इन्हें ढक करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे हम, 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल होगा तो अपने आप ये ऊपर आ जाएगा, अभी नीचे है, बॉईल होने के बाद अपने आप ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है और ये पानी के ऊपर तैर रहा है, यानी नाश्ता जो है पक गया है। अब हम जल्दी से इसे क्या करेंगे, निकालेंगे पानी से और एक कॉटन साफ कपड़ा पे इन्हें डालेंगे ताकि पानी अच्छे से हमारा जो है सूख जाए। आप चाहें तो नाश्ता ऐसे भी कर सकते हैं इन्हें ठंडा होने के बाद। तो अब थोड़ा सा नाश्ता को अलग लुक देंगे, इसके लिए मैं एक छोटी चम्मच मात्र तेल डाल दी हूँ, सरसों का तेल, साथ ही इसमें आधा छोटी चम्मच सरसों डाल दिए हैं, 4-5 कड़ी के पत्ते, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा बारीक कटे हुए हरी मिर्च ले ली हूँ। अब जो नाश्ता को बॉईल करके ठंडा कर लिए हैं उन्हें कॉटन कपड़ा से साफ करके ठंडा कर लेना है। और थोड़ी सी लाल मिर्च का भी मैं कुटा हुआ पाउडर ले ली हूँ, दरदरा कुटा हुआ। अब इस तरीके से डालेंगे नाश्ता को, पहले 3 रखेंगे और 3 रखने के बाद 2 को निकाल देंगे और 1 को सेकेंगे, क्योंकि जो भी इसमें ये सूख सकता है इसलिए एक बार में 3 डालें और जो भी तेल होगा एक्स्ट्रा वो ये दोनों में आ जाएगा और एक जो लास्ट में बचेगा उन्हें एक एक करके हम सेक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इन्हें पलटने के बाद निकाल लेंगे और एक एक करके हम सेकेंगे इन्हें। तो बिल्कुल एक छोटी चम्मच तेल में ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो बॉईल किया हुआ भी आप खा सकते हैं, लेकिन हल्का सा आप इन्हें एक छोटी चम्मच तेल में डाल करके इन्हें सेक लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद जो है इस नाश्ता का बढ़ जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए एक एक करके मैं सेक ली हूँ और इन्हें निकाल लेंगे और सारे नाश्ता को सेम तरीके से हमें सेक लेना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये नाश्ता खाने में। ऊपर से लाल कुटे हुए लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा, जैसा कि मैं डाली थी आप देखे भी हैं। और एक एक करके नाश्ता को हमें सेकना है, एक ही बार में मत सेकिएगा, एक एक करके सब सेकना है अच्छे से। तो ये देखिए सारे नाश्ता को मैं सेक करके ले ली हूँ सेम तरीके से। तो मात्र एक छोटी चम्मच तेल में यह नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो तेल में सेक भी सकते हैं और नहीं तो बिना सेके भी आप बॉईल किया हुआ भी नाश्ता को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी नाश्ता जो है परफेक्ट बना हुआ है। इस नाश्ता को आप हरे धनिया की चटनी या टोमेटो केचप किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड स्वादिष्ट बिल्कुल अलग तरीके का यह नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, जिसे मैं बिल्कुल किचन के सामग्री से बनाई हूँ। कोई भी आपको सामान इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, हर किसी के घर में यह सामान अवेलेबल होता है। उसी सामग्री से मैं यूज़ करके, बहुत ही कम सामग्री का यूज़ करके ये सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार की हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये सुपर टेस्टी गेहूँ के आटे से बना नाश्ता बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये आज के गेहूं के आटे का नाश्ता कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।